दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूं और इसे लिखकर भी आपको बताऊंगी। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ना चाहें तो पढ़कर भी इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी को लिखते, पढ़ते और समझते हैं। सबसे पहले इस कहानी का नाम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी का नाम है घमंडी बारहसिंगा। कहानी हिंदी में, ए फेयरी टेल फॉर किड्स। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक बार वह तालाब में पानी पी रहा था और पानी पीते हुए उसने अपनी परछाई देखी। वो अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर अपनी पतली टांगों को देखकर बहुत दुखी हुआ और वो भगवान को कोसने लगा। एक बार कुछ शिकारी कुत्ते जंगल में आ गए और वो बारहसिंगा के पीछे पड़ गए। ये देखकर वो घबरा कर दूर भाग गया। उसकी पतली टांगें ही उसकी भागने में सहायता कर रही थीं। भागते भागते अचानक उसके सींग टहनियों के बीच में फंस गए। उसने अपने सींगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह अपने सींगों को बाहर ना निकाल पाया, जिसके बाद उन शिकारी कुत्तों ने उसे घायल कर दिया और वो मरने की हालत में हो गया था। मरते समय वह सोचता रहा, इन सुंदर सींगों ने मुझे मरवाया है और मेरी पतली टांगें मुझे बचा सकती थीं। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ अपने गुणों के कारण सुंदर होती है, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता की वजह से सुंदर होती है। इसलिए हमें चीज़ों के गुणों के कारण चीज़ों को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी घमंडी बारहसिंगा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही यह भी लिखकर बताएं कि आपको कैसी कैसी कहानी लिखना, सुनना और पढ़ना पसंद है। ऐसी दिलचस्प कहानियों के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।